सो एमबीए की बात की जाए, मास्टर्स की डिग्री की बात की जाए, आप में से एक सब्सक्राइबर हैं इशिता भल्ला, उनका एक क्वेश्चन आया था कि अभी अगर देखें तो एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर बताता हूँ, एज यू हैव डन इट, मतलब मैंने मास्टर्स की है तो प्लीज टेल इफ इट इज वर्थ डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस और नॉट। तो शॉर्ट आंसर अगर मैं आपको दूं दोस्तों, तो शॉर्ट आंसर इज येस, इट इज वर्थ इट। हो गया, टाटा खत्म, बाय बाय आज का वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, राइट। थोड़ा सा नुआंस्ड है, बट द शॉर्ट आंसर टू बी ऑनेस्ट इज येस, इट इज वर्थ इट, अगर आप एक अच्छी जगह से करते हैं तो। अब अगर आप बाकी की डिटेल सुनना चाहते हैं तो वीडियो पर रुक सकते हैं, नहीं तो पता ही है, टाटा बाय बाय हमने ऑलरेडी कर दी है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, मैंने 2016-17 में मेरी मास्टर्स की है कम्प्लीट, एंड मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस किया है विद अ स्पेशलाइजेशन, येस वेट फॉर इट, सोशल मीडिया मार्केटिंग में। एंड क्वेश्चन बहुत कॉमन सा उठता है दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे कोर्सेरा की बात करते हैं, यूडमी की बात करते हैं, आप अगर आज भी जॉब मार्केट में चले जाएं तो बिना डिग्री के बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब्स मिल रही हैं। क्रिप्टो वेब 3 तो है ही है, बट वेब 2 वाली साइड पे भी टेक कंपनीज भी जो हैं दे आर गोइंग जस्ट फाइन टूवर्ड्स एम्प्लॉयज विदाउट डिग्रीज। बट उसके अलावा कोर्सेरा के कोर्सेज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है अगर आपने प्रॉपर वेरीफाइड तरीके से लिया है, एग्जाम्स वगैरह दिए हैं। बट इसके अलावा देर आर अदर फील्ड्स एज वेल, जैसे साइबर सिक्योरिटी है जिसमें मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्लस का जो सर्टिफिकेशन है। सो अगर आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, कॉलेज डिग्री हो तो फायदा हो जाता है, बट अगर नहीं है एंड आपने सिक्योरिटी प्लस का सर्टिफिकेशन कर लिया है, यू आर गुड टू गो, आपको एक एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी साइड पे, राइट। डू लेट मी नो अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, राइट। मैंने जितना मेरा रिसर्च किया है मुझे तो ठीक दिख रहा है, यहाँ पे जितने लोगों से साइबर सेक वालों से मैंने बात की, एवरीबडी वाज लाइक यस यू आर राइट। तो वहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या मास्टर्स के ऊपर या एमबीए के ऊपर यहाँ पे एक इंसान को 25 लाख रुपए, अगर आप इंडिया में कर रहे हैं अच्छी जगह से तो 20-25 लाख रुपए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज है उस एंगल से कर रहे हैं तो आपका 5-10 लाख रुपए तो लग ही जाना है मोटा मोटा। एंड मैं खाना पीना भी मिला के बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ का हॉस्टल का खर्चा भी होता है, आपका खाने पीने का खर्चा भी होता है, राशन का भी खर्चा है, स्कूटर पेट्रोल वो सब चीज़ों का खर्चा मिला के बोल रहा हूँ। अगर आप इंडिया के बाहर करते हैं जैसे मैंने की, तो आपका 40-50 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे आता है। तो क्या वो लोन लेना फायदे का है अगर आप पूरा लमसम कैश, जो बहुत ही कम लोग होते हैं जो दे पाते हैं, वो नहीं दे सकते तो, राइट। क्या और वो लोन, फिर अगेन लोन भी अलग अलग तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मेरे केस में अलग था, बट देन पॉइंट इज इट इवन वर्थ इट कि इतना पैसा खर्चा किया जाए इस चीज़ पे और उसके अगले कुछ साल फिर घिसा जाए और वो लोन को उतारा जाए। तो वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है दोस्तों, हम कॉलेज स्पेशली अगर मास्टर्स की बात करें तो क्यों जाते हैं। बैचलर्स में यूजुअली जो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो टेक्निकल एंड हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन होती है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है। मास्टर्स जब हम बात करते हैं एमबीए की, एमआईबी की, एमआईएम की, वहाँ पे आपको दो तरह की चीज़ें सीखने मिल रही हैं। पहली चीज़ आपको जो भी वो फील्ड है, अगर आप मास्टर्स इन मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग एमआईएम, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो टेक्निकल नॉलेज है कंसल्टिंग का, ग्लोबल स्ट्रैटेजी हो गई, अकाउंटिंग हो गई, ये सारे जो टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं, मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, वो सब तो सीखने को मिलेगा। बट उसके अलावा यू गेट टू लर्न हाउ टू मैनेज पीपल, मैनेजेरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स का तो प्रॉपर अलग ही कोर्स ही है प्रॉपर, मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को पढ़ा दिया या सैटरडे संडे को इलेक्टिव पढ़ा दिया, प्रॉपर कोर्स से आपको करने को मिल जाता है। तो एमबीए में आपको वो वाला एंड भी आता है। तो एमबीए अगर आप इमीडिएटली कर लेते हैं तो आपके लिए एक हायर टीयर ऑफ जॉब्स जो है ओपन हो जाती हैं। तो यूजुअली मेरा जो हायरिंग करने का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके पास एमबीए है तो यू विल एंड अप स्किपिंग इफ नॉट 2 ईयर्स बट एटलीस्ट 2 से 3 साल ऑफ एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस के बाद जिस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट के बाद वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वैसा आपको एमबीए ख़त्म होने के फर्स्ट डे से ट्रीट किया जाता है। दैट मींस आपको एक सीनियर लेवल के तरीके से ट्रीट किया जाता है, भले ही आपको पोजीशन वैसे मिली हो या ना मिली हो। क्यों ट्रीट किया जाता है? बिकॉज एक्सपेक्टेड ये है कि आप मैच्योर हो थोड़ा सा, राइट। आपको लीडरशिप स्किल्स का पता है, आपको मैनेजेरियल चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो बात ही अलग हो गई पूरी की पूरी। बट अगर एमआईबी की बात करें या एमबीए स्पेसिफिक जनरल एमबीए की बात करें, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि आपका करियर फास्ट ट्रैक हो जाता है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड मूव अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड मूव, गिवन कि आप एक ठीक ठाक कॉलेज से कर रहे हैं। एंड मैं ये नहीं, एमबीए के लिए तो मेरा सजेशन पूरा ये, देखिए ग्रेजुएशन आई डू थिंक आप किसी भी कॉलेज से कर लें, अच्छे से कर लें, पढ़ाई कर लें अपनी पूरी, इज फाइन। बट मास्टर्स में मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि अच्छे कॉलेज से ही करें, नहीं तो ना करें, नहीं तो दोबारा ट्राई करें एग्जाम, राइट। मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज आपको वो मास्टर्स पे पैसा डालने का ना उतना फायदा होगा नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज
पढ़ाई तो आप कोर्सेरा से भी कर सकते हैं, आपको पता ही है, पढ़ाई आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आपने करिकुलम निकाल लेना है किसी भी कॉलेज की वेबसाइट से जाके, वहाँ से वो चीज़ें पढ़ लेनी है, एग्ज़ाम भी आप दे पाएंगे किसी किसी तरीके के। तो रहता क्या है, एमबीए में स्पेशली जो स्टूडेंट्स आते हैं ना दोस्तों, वो स्टूडेंट्स यूजली कुछ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं लाइफ का, बिकॉज बहुत सारे, जैसे मेरा जो MBA का प्रोग्राम था वहाँ पे अलाउड ज़रूर था, बट मैक्सिमम लोग जो हैं उनका एवरेज एक्सपीरियंस दो दो तीन तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे, कुछ लोग 5, 6, 7, 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी लेके आ रहे थे। एंड वॉट दैट मीन्स इज कि जब मैं मेरे MBA के क्लास में, मेरे जो क्लासमेट्स होंगे जिनके साथ मैं बातचीत करूंगा, जिनके साथ मैं घुलू मिलूंगा, जिनके साथ मेरे को प्रोजेक्ट करना होगा, दे आर गोइंग टू हैव सम एक्सपीरियंस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उनके पास कनेक्शंस होंगे जो एक फ्रेशर के पास नहीं होते, राइट। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा आता है कि MBA का बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू मेरे हिसाब से वो हो जाता है कि आप जिस तरह का नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एंड अगर आप बहुत ही अच्छे IIM के कॉलेज, IIM लेवल कॉलेज से कर रहे हैं, तो वो ब्रांड वैल्यू, द टैग कि अरे IIM ग्रेजुएट है, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड मैटर्स अ लॉट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सेम जॉब डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ से की है एंड आपका कितना अच्छा रेफरल था, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, बट आपने कहाँ से की है कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ 20-30 lakhs इवन आपके ईयरली पैकेज में, एवरेज 10-12 lakh का फर्क पड़ सकता है, मतलब महीने का 1 lakh रुपए का आपका बिफोर टैक्स फर्क पड़ सकता है कंपेयर टू IIM वर्सेज सम अदर कॉलेज, राइट। एंड सम अदर में मतलब मैं उसमें भी अच्छे कॉलेजेस वर्सेज IIM की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में MBA का एडमिशन मिल रहा है, आई डू थिंक यू कंसिडर इट, इवन इफ आपको MBA के अंदर की पढ़ाई का सब आता है। मेरा मास्टर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्यों है, जब मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टर्स करने के टाइम पे 2 साल किया हूँ, और उस टाइम पे मैं काम कर रहा था, उस टाइम पे मैं ना ही सिर्फ यूट्यूब बना रहा था बट एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट पे अकाउंट्स भी चला रहा था, चीज़ें भी कर रहा था, मेरे को पता था, लोग अलग अलग कंपनीज के साथ भी काम कर रहा था, बट क्यों फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैंने लिया वापस से, राइट। दिस इज द रीजन, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि यहाँ पे सामान तो आप सीख लेंगे, काम तो सीख लेंगे, बट क्योंकि वो आपको कहीं से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, बट इट हैज़ टू डू विद लीगलाइजिंग दैट इन्फॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली दुनिया अभी उस स्पेस में नहीं है जहाँ पे आपको बेटर पेमेंट्स मिल सके बिना किसी डिग्री के, राइट। जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा, बट आई डोंट थिंक अभी है, आई थिंक 20-25-30 साल तो उसकी हमको बात भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। अब उसमें AI और ये सब चीज़ों ने अगर फास्ट ट्रैक कर दिया तो मे बी कम, बट आई डू थिंक अगले 10-12 साल तो ये क्वेश्चन आप मत पूछें कि डिग्री वर्थ इट है नहीं। आई डोंट थिंक आपको डिग्री छोड़नी चाहिए, आई डोंट थिंक आपको कॉलेज छोड़ना चाहिए, क्रिप्टो ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना है, कोर्स ऐसे पढ़ के नौकरी लेनी है। अगर आपको डिग्री करने का मौका मिल रहा है एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं, यस। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक MBA, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप MBA नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके घर वालों को बहुत ही प्रॉब्लम आएगा लोन लेने में वगैरह वगैरह, यू गेट व्हाट आई मीन, राइट। आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप थोड़े से सीरियस हैं लाइफ में, एंड आई थिंक आपको चीज़ें समझती है मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। अब क्वेश्चन आता है, तब अगर आपको उस पॉइंट पे IIM वगैरह में एडमिशन मिलता है, आई थिंक यू शुड कंसिडर अ स्टूडेंट लोन एंड यू शुड गो फॉर इट। बट अगर आपको एक लो लेवल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहाँ जिसकी रैंकिंग कुछ खास है नहीं फॉर एन MBA, आई थिंक आप उसको स्किप कर सकते हैं, रैदर आप काम स्टार्ट करें, पहले काम स्टार्ट करें, थोड़ा वेट करें, पैसा बटोरें अपना, थोड़ा जोड़ें पैसा अगले 2-3 साल, आप प्रॉपर जॉब करें, भले ही छोटी जॉब करें, इंटर्नशिप से स्टार्ट करें, पैसा जोड़ें, थोड़ा वेट करें, दोबारा एग्ज़ाम दें, बेटर कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दें। लो टीयर या लो लेवल MBA कॉलेजेस, आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि वो 5 lakh भी अगर आपकी फ़ी बनती है वहाँ पे, इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, क्योंकि उसमें आपको MBA का टैग मिल जाएगा, बट उस टाइम पे लोग देखते हैं जब आप रिज्यूमे भेजते हैं ना, आपने MBA डाला होगा वहाँ पे या मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस डाला होगा, आपका कॉलेज देखा जाएगा। एंड ये सारी कैलकुलेशंस मैंने तब की थी, मेरे लिए भी आई सॉ कि चलो इकोनॉमिक टाइम्स का वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 नंबर 2 चल रहा था उस टाइम पे, हल्ट आई थिंक फाइनेंशियल टाइम्स या एज वेल एज फोर्ब्स वगैरह की जो लिस्ट आती है उसमें टॉप 20 में चल रहा था, तो इट मेड सेंस फॉर मी कि भाई मैं मेहनत कर लूं, अगर थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है तो कर लूँ और कर लूँ यहाँ पे। एंड मुझे ये भी फ़ायदा था कि यार मेरे क्लास में हम बात कर रहे हैं कि 50+ कंट्रीज़ के बच्चे हैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क एम आई गोइंग टू बिल्ड, राइट। एंड मेरा जैसे घर, मैंने पहले भी डिस्कस किया मल्टीपल वीडियोज़ में कि जहाँ मैं रहता था तो घर के अंदर 4 लोग थे, हम, मैं, जर्मनी का एक लड़का, पोर्चुगल का एक लड़का और हांगकॉन्ग का एक लड़का, राइट। तो
आई थिंक दैट इज एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट, क्योंकि उसमें मेरे कनेक्शंस बढ़े और बहुत कनेक्शंस बढ़े. कोई ऑडी में काम करते हैं आज, कोई कहीं काम करते हैं, कोई कहीं काम करते हैं, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज द बिग वैल्यू मेरे हिसाब से एक MBA का, मोर देन द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको मिल जाएगा तो वहाँ आपको फायदा होता है. अब कोर्सेरा क्या इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है? द आंसर इज टू सम एक्सटेंट. जो उनका कोहॉर्ट डिस्कशंस है, या आप जब एक प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम को कोर्सेरा से करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट जो काम करना पड़ता है उसके लिए आप बेटर कनेक्ट करते हैं, बट स्टिल इट्स स्टिल अ वर्चुअल कनेक्शन. तो आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाके कर सकते हैं, ग्रेट. अगर आप पूरी अपनी लाइफ तहस नहस करके घर गिरवी रख के MBA कर रहे हैं, अवॉइड इट. वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स, पैसा जोड़ लें, उसके बाद कंसिडर करें कि आप कैसे कर सकते हैं. फॉर जहाँ तक बात है लड़कियों के लिए, आई डू थिंक देर आर सेपरेट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल. वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है फ़ायदा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप बेटर मिल जाता है. तो वुमेन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल, एंड बाय द वे लड़कों के लिए भी हैं, बट अलग अलग तरीके से हैं. लाइक देर इज एन एंटरप्रेन्योर, तो अगर आपका ब्लॉग चलाते हैं, आपका यूट्यूब चलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो देर माइट बी लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बेस्ड स्कॉलरशिप जो MBA कॉलेजेस ऑफर करते हैं. थोड़ा सा ध्यान दें किस किस तरह टेढ़े टेढ़े तरीके के कॉलेज में स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं. मैं तब नेशनल्स खेला था, मैं डेनमार्क जाके भी टेबल टेनिस खेला था, तो मेरे पास वो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का भी एक चांस था यहाँ पे. उसके अलावा खुद का ब्लॉग चल रहा है, खुद की चीज़ें चल रही है, तो वो भी ऐड हो गया, तो $10,000-$15,000 तो यहीं ऑफ हो गया. तो यहां आपको फायदा हो सकता है इस तरीके की चीजों का, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर. आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं एंड देख सकते हैं. सो ओवरऑल आंसर इज, अगर समराइज करना चाहो, अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से करने वाले, 100% वर्थ इट. जहां पे आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके करियर को बहुत ही बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाएगा. नेट नेट यू विल बी इन अ बिग पॉजिटिव. अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो नेट नेट का मतलब आपके करियर में आप उससे कहीं ज़्यादा पैसा बना पाएंगे जितना आप एक MBA में देते हैं. अगर आप लो लेवल कॉलेज से करने वाले हैं, सो आई विल स्टिल सजेस्ट कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब करें एंड कुछ सालों के बाद बेटर कॉलेज के लिए ट्राई करें अगर आपको मास्टर्स करनी है. एंड एज आई सेड, 40 साल की उम्र वाले लोग भी मास्टर्स करने आते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो एंड अप डूइंग दैट. That's my two cents. And एक चीज़ और रहेगी, सॉरी बाय द वे, अगर आप इंडिया के बाहर जाके मास्टर्स करना चाहते हैं, अगेन आई थिंक सेम लॉजिक अप्लाइज. अच्छा कॉलेज, राइट, एकदम ऐसा आप बोले वहाँ पे भी लो लेवल कॉलेज से, आई विल स्टिल सजेस्ट स्टे अवे. बिकॉज बाहर जाना है ना, लो लेवल कॉलेज का भी आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो वो भी कभी कभी नहीं सेंस बनाता है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लाइफ सेंस, क्योंकि मेंटल प्रेशर, वो सारी चीज़ें भी होती हैं 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोन के. तो दैट इज़ समथिंग अगर जो आपको लगता है आप हैंडल नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अवॉइड कर लें कुछ टाइम, टिल यू स्टार्ट अ जॉब एंड सेव सम मनी. सो कपल ऑफ थॉट्स, डू लेट मी नो कि आपके कुछ अगर क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट्स हैं इस चीज़ को लेकर, एंड कहीं पर मैं मेरे थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ. हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए, हो सकता है ना हो, डिपेंड्स. आई कैन ऑलवेज शेयर माई थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो. लाइक बटन वगैरह जरूर दबा दें अगर आपको ऐसे वीडियोज करियर रिलेटेड यहाँ पर इस चैनल पर पसंद आ रहे हैं, विच इज समथिंग आपने नोटिस किया होगा. मैंने चैनल पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस साल, तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एज वेल. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.